हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ चुकी हूँ अपनी छोटी बुआ जी के घर, और बुआ जी के घर में आई है उनकी क्यूट सी छोटी सी पोती, जो अभी 1 महीने की भी नहीं हुई थी। और मेरा बैड लक ये था कि उसी दिन जो है भाभी को अपने मायके जाना था, तो जो बच्चे को पहली बार लेके जाते हैं उसकी नानी के घर, वो रस्म थी। तो मैं बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए भाभी और अपनी भतीजी से मिल पाई, लेकिन जितना भी टाइम मेरे को मिला मैंने सारा का सारा टाइम अपनी भतीजी के साथ ही लगाया। और बहुत ही नोटी है, सुंदर सुंदर गाने गाएंगे, निन्नी आएगी हम गाने गाएंगी, और कुछ ना कुछ बोलते रहो इसको। इसको गाना गाते गाना गाएगी, सात समुद्र पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे मत लाना। और पापा जल्दी हो जाना। और हाँ, इचकी लगी, इचकी लगी, लोकी इचकी नहीं लोकनी। हाँ, हम आराम फरमा रहे हैं बुई की गोद में। हमने बुआ की गोद में छुछू भी कर दिया, पोती भी कर दी। अब बुआ हमें नहीं बोल सकती कुछ भी कि मेवा ने कुछ नहीं किया, है ना? है काबू? एडा बोली है तुम्हें कितने से जमीन से रखी रहा? हाँ, ये तो कुछ कर दी नहीं, सारा काम दूजे बंदे कर रहे हैं। कन्हुआ कितने है काबू? नहीं कितने है ना काबू? नहीं कितने है सारा काम किने कितने कन्हुए कोच के भी कितने? अच्छा, कोच के नहीं कितने कर दे बंद, ये नहीं कर दी तेरे ने प्यार क्या? तो बांकी लगी ताई जो ही ये को थी आवी मुन्नी कुछ ऐसा क्लास हुई गया। ये है छोटी सी रोतड़ू बच्चा, ना 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 ना, तो मैंने इसको गोदी ले रखा है, ये देखो रो रही है ये। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये हमारा सोना सा बच्चा है और बाछियाँ मार रहा है, और इसने बुई के ऊपर छुच्छू कर दिया है। ये इतनी अच्छी बच्ची है, देखो। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी छोटी सी गुड़िया कैसी लगी, और हमारी गुड़िया के लिए लाइक तो बनता ही है। देखो लाइक के नाम पे चुप होगी, अब तो पक्का लाइक बनता है। चलो चुन्नू मुन्नू बाय करो। तो इसी के साथ उन लोगों के जाने का टाइम हो रहा था, तो और हमने किया फ़ोटोशूट, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई और उनको सी ऑफ करके आए उनकी गाड़ी तक। भाभी और बच्चों के जाने के बाद मूड ऑफ ही था, क्योंकि घर खाली खाली सा लग रहा था। लेकिन तभी आ गया मेरी बुआ की बेटी का फ़ोन कि वो आ रही है। तो बुआ की छोटी बेटी आ रही थी जिसका नाम है मधु। और मैं एक बात और बता दूं कि मधु और मैं, हम उम्र हैं मतलब 1-2 साल का ही फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात, मैं बच्चों को साथ नहीं लेके गई थी, अकेली गई थी अब की बार। तो बिल्कुल हमने वैसे इंजॉय किया जैसे हमारी शादी ही नहीं हुई हो, और बहुत बहुत इंजॉय किया। और मैं करने लग पड़ी वेट मधु का। तो जब तक मधु आती है मैं आपको अपनी बुआ की बागवानी दिखाती हूँ। ये है बुआ के घर के खट्टे, मतलब गलगल खट्टे तो सुनाई है मोस्टली सबने, ये है गोड़ा खट्टा। और इसके जो छिलके होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन हैवी भी होते हैं। और मैंने काफ़ी सालों बाद इसके छिलके खाए, और बाद में रोई भी पेट पकड़ के, मेरे पेट में बहुत दर्द हो गई थी रात को, सब डर भी गए थे। और ये है आलू की बागवानी, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है, मतलब जो पानी वेस्ट होता है तो वो पानी इसके काम आ जाए। तो ये अपने घर के आसपास ही बनाई जाती है, तो इसमें बहुत सारे आलू भी निकलते हैं। तो ये बुआ की छोटी सी बागवानी। और अब मैं आ चुकी हूँ बुआ की घर के छत पर, जो ऑन रोड है। बुआ ने जो घर बनाया है ऑन रोड, यहाँ पे पहले पहाड़ियाँ थी, और अभी 3 मंजिला घर खड़ा कर दिया, बना दिया है। बस इसका अब बोल सकते हैं ना कि डेंटिंग फेंटिंग रह गई है, वही कर रहे हैं सारी, तो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा।
तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बुआ के घर का, आसपास का व्यू देखो, जंगल ही जंगल और कितनी हरी भरी घास। और एक बात और बता दूँ, वहाँ पे तेंदुए और चीते बहुत आते हैं, और 6-7 बजे तक लोग अपने घर का काम करके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि वहाँ पे जब भी हम कुत्ते पालते तो कुत्ता तो कोई भी नहीं बचता था, बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है। तो इधर बुआ थी अपने भैंसों के पास और मैं बुआ के पास ही आ चुकी हूँ, और अब सुनिए बुआ से क्या बात हो रही है। मसूर करती ये हमारी बहुत बहुत प्यारी प्यारी बुआ है। एक टाइम पे बुआ अच्छी नहीं लगती थी तो बुआ गुस्सा करती थी, बुआ क्यों बोला बेबे बोलो। थो बंद कर दो। तो गाइज इधर आ चुका है मधु का फोन, और अब मिलेंगे मधु से हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय।